मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद अब अपनी कैबिनेट पूरी तरह तैयार कर ली है और अब बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्लानिंग की तरह ही 2024 लोकसभा चुनाव पर अपना फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के पीछे पार्टी की बूथ प्रबंधन मॉडल की निर्णायक भूमिका रही है। बीजेपी हाईकमान ने भी एमपी के इस मॉडल की काफी प्रशंसा की है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा इसे अन्य राज्यों में लागू करने पर विचार कर रही है। हाल ही में हुई भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ प्रबंधन मॉडल को लेकर बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। एमपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि किस तरह पार्टी ने कमजोर और हारी हुई सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम किया है। इस प्रेजेंटेशन की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं ने सराहना की है। अमित शाह की रणनीति के तहत संगठन के काम को एमपी के संगठन ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाया था, जिससे विधानसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत में बूथ मॉडल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रयोग में मतदान के दिन सुबह 6 बजे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने इलाके के लोगों को जल्द से जल्द वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी का परिणाम रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में विशेष सदस्यता अभियान में मिस कॉल के माध्यम से 17 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े गए। हर बूथ पर दीवार पर लेखन में 5 कमल और भारत सरकार के नारे पुतवाए गए। इसके अलावा 42,000 बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया।